तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एरिया। और एरिया में मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, एरिया में मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको मैथ्स। तो क्लास सिक्स मैथ्स, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया की फुल फॉर्म क्या होती है, एरिया की फुल फॉर्म अ क्लोज फिगर इज नंबर ऑफ ब्लॉक्स। यानी कि कोई एक क्लोज फिगर है जिसकी ये, तो उसके जितने भी नंबर हैं ब्लॉक्स के, उसका जो सम है तो उसे एरिया कहते हैं। यानी कि पूरे नंबर, अ क्लोज फिगर इज नंबर ऑफ हिज ब्लॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना है। तो अब अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो हम रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो रेक्टेंगल है, मैंने आपको पता होगा कि मैंने थोड़े थोड़े क्यूब्स बनाए हैं। तो जैसे इनसे हमें तो बनाएंगे, अगर जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इसमें नंबर्स है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें ब्लॉक्स बनाए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लेंथ और ब्रीथ के बारे में, तो लेंथ, अब देखते हैं ये जो हमारी लेंथ है, हमारी लेंथ कितनी है। यानी कि हमारी रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ वाली साइड की जो एल की लेंथ है, तो वो कितनी है, तो वो है 45। तो अब हमारी ब्रीथ देखते हैं, हमारी ब्रीथ कितने की है। तो हमारी ब्रीथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की हमारी ब्रीथ आती है। तो उसके बाद, तो अब इसका पता करना है हमें इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा ये 45 इंटू ये 10 सेंटीमीटर, तो हो गया 450। तो अब 450 ये जो हमने लिखा है, उसके बाद हमारा आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब स्टार्ट करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस। अब मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होगा। एन टू वी यानी लेंथ इनटू ब्रीथ करेंगे तो हमारा आएगा एरिया का फॉर्मूला। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारा फॉर्मूला है, एल इंटू बी, हमारा फॉर्मूला हो गया रेक्टेंगल का। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर, का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होगा साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड, जिसकी मैं आपको ये लिखा हुआ दिखा है, तो अब साइड इंटू साइड हो गया हमारा फॉर्मूला एरिया का। तो अब देखते हैं, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। हमारा टॉपिक है अब एरिया। इनकी जिसके मैंने आपको बताया था कि हम पॉइंट टू करने वाले हैं, तो अब पॉइंट टू में हम क्या करेंगे, पॉइंट टू में करेंगे हम एरिया बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स। यानी कि एक ऐसा एरिया जिसका नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमें देखना है। तब देखते हैं हमारा, तो ओके सो स्टूडेंट्स, सो आई विल शो यू स्क्रीन। तो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 5 नंबर लिखा हुआ है। इसकी ये जो 5 नंबर है, और ये जो स्क्वायर हमने लिखा है, ये स्टूडेंट्स सो ओके, तो ये जो मैंने आपको स्क्वायर बना के दिखाया है, ये 5 नंबर और ये स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसमें, यानी कि ये जो लाइन है, इसमें हमारे 5 स्क्वायर्स आते हैं। तो उसके बाद अब ये जो लाइन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 और स्क्वायर लिखा था, वैसे ही यहाँ पे 8 और स्क्वायर है। 8 और स्क्वायर का मतलब क्या है, 8 और स्क्वायर का मतलब भी वही है जो मैंने 5 और स्क्वायर में बताया था, मतलब इस साइड के जितने ब्लॉक्स हैं वो 8 हैं। तो अब लेट सम, तब हम तो अब हमें इसका सम करना है। तो
अब लिखेंगे 8/5 या फिर 5/8। तो इसका मतलब, इस पूरे का फॉर्मूला मतलब, इस पूरे क्यूब का मतलब है एरिया बाय 5। यानी कि अब जैसे कि एरिया बाय 5 वो 8/5, तो हम 8 और 5 को मतलब जैसे कि हमारी ये जो बाउंड्री दी गई है, ये जो बाउंड्री है उसमें हमने थोड़े बहुत लाइन ड्रॉ कर दी, तो हमने इसकी लेंथ लिखी 5 और 8। तो ओके, अब देखते हैं कि 8/5 हमने लिखा है, तो ये जो बाउंड्री है इस, ये 8/5 की बाउंड्री है। जैसे कहते हैं, जैसे कि कोई ग्राउंड है वो इतने बाई इतने का है, 8/5 का है, ऐसे कुछ कहते हैं। तो हमारे इस ब्लॉक्स का है 8/5। तो 8/5 है। तो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। तो अब ये जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर वाले, देखिए जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले फॉर्मूले में बताया था एरिया की डेफिनेशन, और एक एग्जांपल भी दिया था आपको, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब जो मल्टीप्लाई करते हैं वही फंडा इसमें है। तो अब 8 × 5 कर देंगे, यानी कि 8/5। तो 8 × 5, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 8 × 5, तो ये 8 × 5 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 8 × 5। तो 8 × 5 कितना होगा, आप सोच के देखिए 8 × 5 कितना ऑप्शन होगा। 8 × 5 होगा 40। हमारा फॉर्मूला होगा 8 × 5 का 40 होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, ये हमारा आंसर है 40। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा पॉइंट। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, तो अब मैं आपको तीसरा पॉइंट क्लियर करूँगा। सो के एरिया बाई नंबर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि अब हमें ट्राइंगल का नंबर निकालना है। तो अब ये जो आपको ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें। तो ये ट्राइंगल और कोई नहीं बल्कि जो हमारा स्क्वायर था, ये देख रहे हैं, ये स्क्वायर को हमने हाफ किया, तो हमारे स्क्वायर का हाफ हुआ ये ट्राइंगल। ये जो ऐसा ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये ऐसा जो ट्राइंगल देख रहे हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं एरिया बाई नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो अब स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूरा जो रेक्टेंगल है हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी लेंथ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं। अब ऐसा तो नहीं लिख सकते कि एक एक साइड के ब्लॉक्स हैं, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 4 यानी कि चार चार बार नहीं बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हम ये जो 4 है, 4 को हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। यानी कि ये जो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जो ब्लॉक्स हैं हमेशा एक ब्लॉक्स का ही एरिया निकाला जाता है। तो अब पूरा एक ब्लॉक्स ले लिया, तो एक ब्लॉक में 2 होंगे, तो ये जो ऐसा एक ट्राइंगल है उसमें 1 होगा, तो जो एक ब्लॉक होगा उसमें 2 ट्राइंगल बनेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा 8। सो उसके बाद ये जो 8 है हमारा, ये 8 ट्राइंगल्स यहाँ पर पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो पूरे 8 ट्राइंगल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो ट्राइंगल्स हैं, 8 ट्राइंगल्स, तो मैंने यहाँ पे 8 ट्राइंगल लिखे हैं, क्योंकि हमारे पूरे एक स्क्वायर में
दो ट्राइंगल, ये मैंने पहले बताया था आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं कि तो ये जो हमारी लेंथ है, लेंथ की साइड में कितने ब्लॉक्स है, लेंथ की साइड में है 9 ब्लॉक्स। तो अब वैसा ही करेंगे कि 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे, वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, तो हमारा आंसर आएगा 18। तो हमारा 18 आंसर आ गया। तो 8 × 18, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो फॉर्मूला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 8 × 18। तो हम 8 × 18 को करेंगे, सो ये हमारा हो गया है 9/4। 9/4 ये जो हमारा आंसर है, ये देखिए 9/4। तो ये हम इसे भी चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमारा पूरा गलत हो जाएगा ना, पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो 8/18 का हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉब्लम। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 144। तो हमारा आंसर आया 144। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम, व्हाट इज़ वॉल्यूम। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया एरिया, तो अगली वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप हमारे आप नीचे एक लाल बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उसके बाद आपको एक बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो वो बेल बजेगी। उसके बाद तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, तो जब तक आपने वो बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप दबा दीजिए। तो जब आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी जितनी भी वीडियो के सारे हमारे तो हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।